गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु नमः। जिन लोगों ने भी नवग्रह शालिग्राम लिया है वो लोग अपनी जगह उसको लेकर खड़े रहो, शालिग्राम और माला लेकर खड़े रहो। आपके जीवन में ग्रहों से किस तरह पीड़ित है और कौन सी पीड़ा आपको है वो एक बार आपके मन में बोल दो। वो आपके जीवन में किस प्रकार की अशांति है और किस प्रकार की अशांति के कारण आप निरंतर बाधित है इसके बारे में आप विचार करो। क्या कष्ट आपको अनुभव हो रहा है वो संकल्प मन में कर लो कि इस कष्ट के निवारण के लिए हम नवग्रह मंत्रों की माला करना चाहते हैं। हमारे आश्रम में नवग्रहों के और नक्षत्र के अनुसार वृक्षों को लगाया गया है। आप सभी लोग वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए, वृक्षों को किसी प्रकार का कष्ट न प्रदान करते हुए अपने आसन ले लेकर मैं मंत्र बोलता हूं, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए उन पेड़ों के बीच में बैठकर इस मंत्र को करना है। इस मंत्र की विधि यह है, पहले मंत्र एक माला वहाँ कर लेना चाहिए, उसके बाद शालिग्राम को आप कहीं भी जाओ, 9 तालाब 9 कुएं या 9 नदी इसमें से कोई एक, इससे इस जल से उसको शालिग्राम को नहलाना है। नहलाने के बाद रोज एक माला मंत्र जप करना है, ऐसे 9 दिन करना है। 9 दिन के बाद उस शालिग्राम को बहते पानी में छोड़ देना है आपकी पीड़ाओं को बोलते हुए। तब आपके जीवन में जो भी नवग्रह पीड़ा हुई है वो नवग्रहों की वजह से, कौन सी भी महादशा चल रही हो या किस महादशा से आप पीड़ित हो, कौन से ग्रह से भी आप पीड़ित हो, तो उसका उपशमन होगा। बात याद रखने की है, आज आप नवग्रहों के वृक्षों में जाकर एक माला मंत्र जप भी करेंगे, करने के पश्चात जब घर जाएंगे तो आप कहीं भी 9 कुओं का पानी या 9 तालाब कौन सी भी एक ही लेना, 9 कुएं ले तो 9 कुएं ही लेना, 9 तालाब ले तो 9 तालाब ही लेना है, 9 नदी लेते हैं तो 9 नदी ही लेना, अपने उस पानी से शालिग्राम को नहलाना चाहिए। शालिग्राम उस 9 पानियों से फिर 9 नदियों का या गुलाब का पानी नवग्रहों पर डालने के बाद वो पानी पूरे घर में छिड़क देना चाहिए और उस शालिग्राम को 9 दिन तक रोज एक माला मंत्र जो अभी मैं दे रहा हूँ उस मंत्र की माला करनी चाहिए। उसके बाद कोई पवित्र और बहती नदी उसमें इस शालिग्राम को बहा देना चाहिए, यह कहते हुए कि हमारे जीवन में ये पीड़ाएँ हैं, उस पीड़ा के निवारण जरा हमने नवग्रह पीड़ा परिहारार्थ ये साधना संपन्न की, ऐसा मन में धारणा करना चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप मंत्र को उच्चारण करो, बोलो ओम ह्रीम क्लीम अ री ऊ ए बाहुबली सर्वग्रह दोष निवारय निवारय ह्रीम ओम एम ओम ह्रीम क्लीम अ री ऊ ए बाहुबली सर्वग्रह दोष निवारय निवारय ह्रीम ओम एम ओम ह्रीम क्लीम अ री ऊ ए बाहुबली सर्वग्रह दोष निवारय निवारय ह्रीम ओम एम। आप जब नवग्रहों के पेड़ों में बैठेंगे तब आपका मुंह सूर्य की ओर होना चाहिए, पश्चिम की ओर, अभी सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त होने से पहले एक माला करके आप सब लोग आ जाओ, आप माला लेकर जाओ
नवग्रहों के और 27 नक्षत्रों के प्रजा हैं वहाँ बैठे। रोज एक माला, हाँ अट्ला तुम्हें बहुत चुकसार नील पड़े तुम्हें बहुत नीलू कर्षा वे अस्तमित सूर्य वेप क्रीम ओम एम लोगों को नवग्रह साधना करने की इच्छा है हाथ उठाओ एक बार गिनो कितने लोग हैं गिनो जिनको नवग्रह का शालिग्राम नहीं मिला और नवग्रह साधना करने की इच्छुक है वो लोग हाथ उठाओ। आप लाइन से आके खड़े रहो। मैं जो होता हूँ रघुचरण नवग्रह शालिग्राम लेकर आओ। लाइन से खड़े रहो। प्लेट पे के लो भाई, 10-10 मत लो। आप लाइन से खड़े वो लोग शालिग्राम को हाथ में लेकर मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। उदय महाराज जहाँ भी हो, या शेषु महाराज जहाँ आए, कलश में पानी देकर उस शालिग्राम को पहले यहीं जल से अभिषिक्त करेंगे। सभी लोग अपने हाथ में शालिग्राम लेकर एक लाइन में आए। मैं यहाँ कलश में आपको 9 बौड़ियों में से एक बार इसको धोकर आपको देता हूँ। सब लोग लाइन से खड़े रहे शालिग्राम लेकर। लाइन एक ही लाइन। तब दोनों में जो बातें हुई उस समय ब्रह्मा ने जो मंत्र कहते हुए कहा कि इस मंत्र का पाठ करने से नवग्रह की शांति होगी, किसी प्रकार का भी आपके ऊपर उपद्रव आने वाला तो उसकी शांति होगी। यही मंत्र अभी आपको मैंने दिया है। अभी सूर्य अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहेंगे। आप शालिग्राम को उसमें डुबोकर उसका जल आपके सर पे छिड़क लें और माला गले में धारण करते हुए एक एक करके ले जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। एक एक शालिग्राम उसमें डुबोकर उसका जल छिड़क लें। और इन तो उदय महाराज करो और छिड़कते जाएंगे। माला धारण कर लो। इधर आइए आप, माला धारण करो। आइए आइए आइए, सूर्य अथर्वशीर्ष पढ़िए। एक माला करनी है आपको। नदी में प्रवाहित शालिग्राम नहीं करने आया तो आपके घर में तुलसी का वृंदावन हो तो उस मिट्टी में शालिग्राम को दबा देना। तुलसी के वृंदावन में जो मिट्टी है उसमें आप शालिग्राम को रख सकते हैं। अगर आप नदी में उसको प्रवाहित नहीं कर सकते तो शालिग्राम को तुलसी के वृंदावन में रख देना और नमस्कार करना। शालिग्राम को अगर घर में ज्यादा दिन घर में ऐसा ही रखे तो जो आपको अनुकूल ग्रह नहीं है वो पीड़ा देना आरम्भ कर देंगे। 9 दिनों के बाद 10वें दिन नहीं शालिग्राम घर में नहीं रख लेना, या तो तुलसी के वृंदावन में नहीं तो नदी में प्रवाहित कर देना। इस बात का ध्यान रखो। माला आप 9 दिन पहन के रखो, बाद में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि नवग्रह पीड़ा है उस माला को धारण कर सकते हैं। लेकिन शालिग्राम को 9 दिनों के बाद या तो नदी में विसर्जन करो, नहीं तो आपके पास तुलसी कोटा जो कहते हैं या वृंदावन कहते हैं उस मिट्टी में दबा दो। करूँगा मुझे पानी नहीं है।